CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। अब चलते हैं कक्षा 5 की ध्वनि शाला में। इब्तदाई उर्दू जमात 5 सबक 1 नज़्म किसान की दुआ। बच्चों, आपने बहुत सारी नज़में पढ़ी होंगी, पिछली जमात की या उससे भी पहली जमात में आपकी किताब में कई नज़में दी गई हैं। आप जानते हैं नज़्म किसको कहते हैं? जी हाँ, नज़्म शायरी की वो सिन्फ होती है जिसमें किसी मौजू पर या किसी ख्याल को तसलसल के साथ नज़्म किया जाता है, यानी शेरी अंदाज में बयान किया जाता है। यहाँ पर हम एक ऐसी नज़्म पढ़ेंगे जिसमें एक किसान अपने मालिक हकीकी से, अपने जगदाता से जो है वो दुआ कर रहा है। वो कह रहा है कि ऐ जगदाता, हमारे खेतों को पानी से भर दे, नदी नाले दे जल थल कर दे, और हमारे जो कोठे हैं धानों से भरे हों, गेहूं से खलियान भरे हों, यानी खुशहाली हो। और खुशहाली के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो इसमें जाहिर कर रहा है अपनी दुआ में। आइए पहले इस नज़्म को पढ़ते हैं। ऐ जगदाता जग के सहारे, ऐ हम सब के पालनहारे, खेतों को पानी से भर दे, नदी नाले जल थल कर दे। ऐ जगदाता जग के सहारे, ऐ हम सब के पालनहारे, हर कोठे में धान भरे हो, गेहूं से खलियान भरे हो, खुश हो गांव वाले सारे। ऐ जगदाता जग के सहारे, ऐ हम सब के पालनहारे, हरियाली हो धरती सारी, चारा पाए गाय हमारी। ऐ जगदाता जग के सहारे, ऐ हम सब के पालनहारे। देखिए इस नज़्म में बार बार जगदाता, जग के सहारे, पालनहारे अल्फाज इस्तेमाल हुए। तो ये जगदाता, जग के सहारे और पालनहारे है वो खुदा के लिए, अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया गया। और उसमें अच्छी बारिश, अच्छी फसल, जानवरों के लिए चारे, हर तरफ हरियाली और खुशहाली की दुआ की है। अब ये बताइए कि जिस तरह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, जगदाता, जग के सहारे और पालनहारे, आप और कोई लफ्ज़ बता सकते हैं जो अपने मालिकी हकीकी के लिए इस्तेमाल करते हो या उसको उस नाम से पुकारते हो? ऐ अल्लाह, ऐ मौला, ऐ खुदा, ऐ रब, ऐ मालिके दो जहां, ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं अपने मालिके हकीकी के। इसमें एक लफ्ज आया है कोठा, यानी हर कोठे में धान भरे हों, गेहूं से खलियान भरे हों। कोठा किसको कहते हैं? कोठा वो जगह होती है जहां पर अनाज को रखा जाता है, यानी गोदाम भी कह सकते। दूसरा लफ्ज खलिहान। खलिहान जो है वो जगह होती है जहां पर फसल को काट कर रखते हैं, यानी जहां फसल काट कर रखी जाती है वो जगह खलिहान कहलाती है। क्योंकि खेत में फसल पैदा होती है, फिर उस फसल के तैयार होने के बाद
उसको काट के रखा जाता है, फिर साफ करके जो भी अनाज होता है उसको घर ले आते हैं और घर पर रखने की जो जगह होती है जहां पर उसको जमा करते हैं वो कोठा कहलाता है। अब आप बताइए कि कौन कौन से अल्फाज हैं जो किसी खास काम के लिए मखसूस हैं। हम अपने घर में भी इस तरह की चीजों को तलाश कर सकते हैं और उनके लिए कुछ नाम मखसूस है। जी, बावर्ची खाना, यानी जहां पर खाना तैयार किया जाता है, खाना पकाया जाता है और खाने का तमाम सामान वहां पर मौजूद होता है, बावर्ची खाना। गुसल खाना, यानी जहां पर गुसल करते हैं, बाथरूम इसको कहते हैं, ड्राइंग रूम, बेडरूम, आंगन, बालकनी, कोठरी, कमरा, और आगे बढ़े, मुर्गी का दरबा, कबूतर खाना, अस्तबल। ये वो जगह हैं या जगहों के नाम हैं जो खास कामों के लिए मखसूस हैं। अस्तबल, जहां घोड़े बांधे जाते हैं, कबूतर खाना जहां पे कबूतरों को रखा जाता है, मुर्गी का दरबा जहां मुर्गियों को रखा जाता है, उसी तरह से बालकनी, आंगन, बेडरूम, ये तमाम अल्फाज हैं। अब आप ऐसे अल्फाज को मालूम कीजिए जो इसी तरह से जगहों के नामों को जाहिर करते हैं या किसी खास काम के लिए वो जगह मखसूस हैं। एक और चीज आपने यहाँ पर जो नाम नजर आ रहे हैं उन अल्फाज पर थोड़ा सा गौर कीजिए, जैसे किसान, खेत, गेहूं, पानी, नदी, दूध, धरती, धान। ये क्या है? ये वो अल्फाज हैं जो किसी शख्स का, किसी जगह का या किसी चीज के नाम को जाहिर करते हैं। नदी, खेत, नदी वो होती है जहाँ पानी बहता है, पानी बहता रहता है। नदी, खेत, जहाँ फसल पैदा होती है। उसी तरह से धरती यानी जमीन, धान फसल का नाम है, वो हो जो फसल पैदा करता है, फसल उगाता है। अब आप समझ गए होंगे कि किसी शख्स या जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। इस्म यानी नाउन। इसी तरह के और अल्फाज मालूम कीजिए और उनकी दर्जा बंदी कीजिए कि ये किसी शख्स का नाम है, किसी जगह का नाम है या किसी चीज का नाम है। इन सब की दर्जा बंदी कीजिए और इनको और मखसूस कीजिए कि ये कौन सा इस्म है, यानी इसमें आम है, इसमें खास है। इसमें खास वो होता है जो किसी शख्स का या चीज का नाम हो। इसमें आम वो है जो किसी एक से मंसूब नहीं होता बल्कि कई लोगों या कई चीजों को एक साथ मिलाकर जाहिर किया जाता है, जैसे खेत, नदी। आपने इस नज्म में एक और चीज भी देखी होगी कि जहां पर हम ये कहते हैं कि खेतों को पानी से भर दे, नदी नाले जलथल कर दे। तो नदी नाले जल थल, इसका क्या ताल्लुक है? खेतों को पानी से भर दे, क्यों? क्योंकि खेतों में पानी होगा तो फसल पैदा होगी। नदी नाले अगर सूख जाएंगे या उनमें पानी नहीं होगा तो ये नदी नाले भी सूख जाएंगे और जो पानी जो बहना है
वो पानी ही नहीं होगा तो बहेगा नहीं कुछ भी, और जो उसके किनारे लोग हैं, खेत हैं, उन सबकी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। तो वो किसान जो है वो अपने मालिक से, अपने जगदाता से, अपने पालनहार से ये दुआ कर रहा है कि ऐ जगदाता, ऐ पालनहार, हमारे खेतों को पानी से भर दे, नदी नाले जलथल कर दे। फिर और क्या मांग रहा है, हर कोठे में धान भरे हों, खेतों से खलिहान भरे हों, खुश हों गांव वाले सारे। यानी जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तभी खुशहाली होगी, तो सारे गांव के लोग खुश हों। दूसरी चीज़, धरती जो हमारी ज़मीन है उस पर हरियाली होगी, और वो हरियाली हमारे जो जानवर हैं, पालतू जानवर, हमारी गायें, वो चारा उनको मिलेगा, और जब वो चारा खाएंगे तो हमें उनसे दूध हासिल होगा, यानी बहने लगे फिर दूध के धारे। तो ये नज़्म जो है वो इस तरह से एक दुआ की शक्ल है, एक दरख्वास्त है अपने आका, अपने मालिक से कि उसको ये तमाम चीज़ें फराहम कर दे। और ये दुआ सबके लिए है, यानी सबकी भलाई के लिए, सबकी बेहतरी के लिए, सबकी खुशहाली की दरख्वास्त की गई है। तो यहाँ पर ये दो तीन जो पहलू हैं वो हमें ध्यान में रखने होते। दूसरी चीज़, इस नज़्म में आपने एक जो शेर है वो बार बार दोहराया जा रहा है, ऐ जगदाता जग के सहारे, ऐ हम सब के पालनहारे। देखिए ये जो शेर है वो सबसे पहले आया, फिर उसके बाद खेतों की का जिक्र किया गया, नदी नाले का जिक्र किया गया, फिर उसी शेर को दोबारा दोहराया गया और फिर दूसरी बात कही गई है। तो ये जो इस नज़्म की खूबी है, यानी हम जब दुआ मांगते हैं अल्लाह से या अपने खुदा से, अपने रब से, तो हम बार बार उसको पुकारते हैं। तो ये जो पुकारने का अंदाज है ये इसमें जाहिर होता है। ये नज़्म अफसर मेरठी की लिखी हुई है, जो मुमताज शायर और अदीब थे और बच्चों की शायरी के लिए बहुत मशहूर थे, यानी उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में कही हैं, अलग अलग मौजूआत पर उनकी नज़में हैं। उनका ज़माना 20वीं सदी के शुरू का ज़माना है, यानी उनकी पैदाइश हुई थी 1895 में और इंतकाल हुआ 1958 में। तो ये वो ज़माना है 20वीं सदी के शुरू का ज़माना, या पहले हिस्से का, 20वीं सदी का निसवे अव्वल। इसकी ज़बान बेहद आसान है, इसमें मश्क के लिए आप इन तमाम चीज़ों पर गौर कीजिए, इसमें इस्म तलाश कीजिए, इसमें उन अल्फाज को तलाश कीजिए जो किसी जगह या किसी ख़ास काम के लिए मखसूस हैं, ये आपके ज़खीरे अल्फाज में इजाफा करेंगे। ज़खीरे अल्फाज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ज़बान को सीखने के लिए, ज़बान का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास अल्फाज का अच्छा खासा ज़खीरा होना चाहिए। ज़खीरा यानी बहुत सारे अल्फाज और उन अल्फाज का इस्तेमाल, क्योंकि जितना हम अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे उतने ही ज़्यादा हम अच्छी तरह से अपनी बात को कह सकेंगे, यानी हम अपने ख्यालात, अपनी बातें, अपनी चीज़ें, अपने जज्बात को जाहिर कर सकेंगे, चाहे वो ज़ुबानी शक्ल में करें या हम तहरीरी सूरत में। और तहरीरी सूरत में करने के लिए हमें इन अल्फाज को लिखने का तरीक़ा भी मालूम होना चाहिए। वो तरीक़ा इस तरह से कि अगर हम कोई लफ्ज़ लिख रहे हैं तो उसमें नुक्ते सही जगह पर हों, उसके सोशे जो हैं वो सही होने चाहिए, तभी हम एक अच्छी तहरीर लिखने के लायक होते हैं।
या हम उन आदाब से भी वाकिफ हों जिसमें इजहार के तरीके होते हैं। दो तरह से हम इजहार करते हैं, एक नस्र में और दूसरा शायरी में। नस्र में हम बात को सीधे सीधे तरीके से कहते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ मुझे या मुझको गुजरा हुआ जमाना याद आता है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, एक इत्तला भी है कि मुझे गुजरा हुआ जमाना याद आता है। अब अगर इसमें हम तरतीब को थोड़ा सा बदल दें, यानी इसमें फाइल, मफूल और फेल, इनकी तरतीब बदल दें। आमतौर पर हम जो जुमले लिखते हैं उन जुमलों में पहले फाइल को लिखते हैं, फिर मफूल और फिर फेल आता है। फाइल यानी काम का करने वाला, मफूल जिस पर काम का असर हो, और फेल जो काम किया गया हो। मुझको फाइल है यानी मैंने, गुजरा हुआ जमाना ये मफूल है, याद आता है, आता है फेल है। अगर इसकी तरतीब बदल दें और हम इसको कहें आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, तो आपको इसमें फर्क नजर आ रहा है, यानी बातों को हमने सलीके के साथ उसकी तरतीब बदल कर या उसकी तरतीब को उलट फेर करके हमने बात को कहने की कोशिश की और वो बहुत ही बावजन बात हो गई, यानी जिसकी तरफ हमारी तवज्जो पहले जाएगी, जो ज़्यादा असर रखती है। तो ये फ़र्क है शायरी का और नसर का। अब हम आपको चार अल्फाज देते हैं, एक लफ्ज़ है तारे, एक लफ्ज़ है बच्चों, एक लफ्ज़ है देखो और चौथा लफ्ज़ है निकले। ये चार लफ्ज़ आपके पास हैं, क्या आप इसको जोड़कर कोई अच्छी सी बात पर कह सकते हैं? जी, बच्चों देखो तारे निकले, यही। और थोड़ा सा ठीक करें तो देखो बच्चे, देखो बच्चों तारे निकले, देखो बच्चों तारे निकले। आगे जोड़िए, देखो बच्चों तारे निकले नीले पीले प्यारे प्यारे। तो ये तो शेर हो गया, यानी आपने शेरी अंदाज में अपनी बात को जाहिर किया है या अपने ख्याल का इजहार किया है। तो ये सूरत होती है हमें शायरी को समझने में कि किस तरह से चीज़ों को पेश किया गया। इनके उसूलों के बारे में आप आगे जब आप पढ़ेंगे या अगली जमातों में जाएंगे तब आप इस पर तफसील से पढ़ेंगे कि शेर क्या होता है, शेर का वजन क्या होता है, शेर की बहर क्या होती, रदीफ क्या है, काफिया क्या है। ये तमाम पाबंदियां हैं जो अच्छी शायरी के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी हम चाहे नज़्म लिख रहे हों, चाहे गज़ल, चाहे कोई और सिंफ हो, सिंफ से मुराद तरीक़े इजहार की जो सूरत है वो। तो इन सब के उसूल हैं, कुछ तरीक़े हैं, कुछ कायदे हैं, वो हमें मालूम होते, और जब हम उनको समझ लेते हैं तब हम उस नज़्म को, उस गज़ल को, उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ भी नज़्म के लिए जो बातें ज़रूरी हैं वो आपके सामने इस नज़्म में मौजूद हैं। ये नज़्म अगर हम इसको नसर में कहें या सीधी साधी बोलचाल की ज़बान में कहें तो हम यही कहेंगे कि ऐ जगदाता, ऐ मालिक, हम हमारे खेतों को पानी से भर दीजिए, नदी नालों को जलथल से भर दीजिए या जलथल कर दीजिए, और हर कोठे में धानों को भर दीजिए, धान को भर दीजिए, गेहूं से खलियान को भर दीजिए,
ताकि गांव वाले सब लोग खुश हो जाएं, हमारी धरती पूरी की पूरी या सारी की सारी धरती हरी भरी हो या हरियाली हो, हमारी गायों को चारा मिले, उनसे दूध के दाहरे बहने लगे। ऐ मालिक, तू इतना करम कर दीजिए। ये सीधा साधा अंदाज होगा, लेकिन हम इसको अगर शीरी अंदाज में जाहिर करेंगे तो उसका तरीका ये होगा। यानी ये एक पूरा मौजू है, एक टॉपिक जिसको आप कहेंगे वो है, और उसको तसलसल के साथ बयान किया गया है अलग अलग शेर के जरिए। आप इस चीज़ों पर ध्यान देंगे, इसको समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी तरह से कुछ अल्फाज जमा करें और जमा करके उसको जोड़ें, इस अंदाज से जोड़ें कि उसके मफहूम तो वही अदा हों जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन इनका तरीका थोड़ा सा अलग हो, ताकि आपकी बात बावज़न हो सके, मुअस्सर अंदाज में हो सके, बेहतर तरीके से हो सके। इसमें आपने गौर किया, एक लफ्ज़ है जगदाता, पालनहार। ये लफ्ज़ मुरक्कब लफ्ज़ है, मुरक्कब यानी दो लफ्ज़ आपस में जमा हुए लेकिन उनके मानी एक हैं। तो इस तरह के दो लफ्ज़ मिल करके जब मानी अदा करते हैं तो वो मुरक्कब लफ्ज़ कहलाता है, मुरक्कब यानी कंपाउंड। इनकी अलग अलग सूरतें होती हैं। यहाँ पे जग एक लफ्ज़ है, दाता दूसरा लफ्ज़ है। जग दाता, जग को यानी दुनिया को देने वाला, उसी से लफ्ज़ बना अन्नदाता। अन्न यानी अनाज, अनाज को देने वाला। पालनहार यानी पालने वाला, पालन पोषण करने वाला। क्या आप इसी तरह के और लफ्ज़ तलाश कर सकते हैं? जी हाँ, खेत खलियान, नदी नाले, ये लफ्ज़ अलग अलग नहीं है, दोनों अल्फाज के माने एक जैसे। खेत और खलियान, नदी नाले। मुश्किल कुशा, मुश्किल को दूर करने वाला, मुश्किल कुशा। आपने देखा कि इन अल्फाज को जोड़ने में हमने कोई और हर्फ या किसी और आवाज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम इनको जोड़ते वक्त दरमियान में किसी अलामत का इस्तेमाल करते हैं, किसी हर्फ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मालिके दो जहां, मालिके दो जहां यानी दो जहां का मालिक, दो दुनियाओं का, दो जहां का मालिक, या कोई और लफ्ज इसी तरह का। यहां पर ए जो आवाज का इजाफा हो रहा है, मालिके दो जहां, ये हम जेर के जरिए, जेर की इजाफत के साथ इसको जाहिर कर रहे हैं। तो ये जो है वो मकसद इसका ये है कि हम कुछ लफ्ज को कम कर देते हैं। जैसे दो जहां का मालिक, तो हमें का लिखना होगा, उस का को हटाने के लिए उसकी जगह पर हम इजाफत का इस्तेमाल करते हैं। बुए गुल यानी फूल की खुशबू, रंगे चमन, चमन का रंग, ये जीर की इजाफत के साथ, लेकिन हम कुछ हर्फ का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आबो दाना, आब व दाना, यहाँ पर बाव के साथ जोड़कर मुरक्कब बनाया गया है। आब यानी पानी, दाना यानी दाना जो खाने की चीज है, तो पानी और अनाज जिसको आप कह लीजिए, ये दो चीजें। तो और के लिए हमने वाव का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हम मुरक्कब लफ्ज बनाते हैं। तो ये मुरक्कबात
आप इस सबक में कई जगह इस्तेमाल हुए हैं, आप उनको देखिए और इसी तरह के और लफ्जों को तलाश कीजिए। हम लोग शायरी को क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं? उसकी वजह यही है कि उसमें कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बयान की जा सकती हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ हमारी तवज्जो सामने वाले की फौरन वहाँ पर उस तरफ होती है, यानी सामने वाले की तवज्जो हमारी बात पर फौरन होती है और असर भी होता है। आपने इस नज़्म को पढ़ा, इस नज़्म के मानी और मफहूम को समझा, साथ ही जो ज़रूरी चीज़ें हैं समझने की वो है कि अल्फाज का इस्तेमाल किस तरह से किया गया, किस तरह से इजहार की सूरत होती है वो जाना, साथ ही इसमें आपने इस्म के बारे में मालूम किया, उन अल्फाज के बारे में जाना जो किसी काम के लिए या किसी जगह के लिए मखसूस हैं। इन तमाम चीज़ों को आप जहन नशीन कीजिए, इस पर गौर कीजिए और ऐसी तस्वीरें जमा कीजिए जिससे वो पूरी बात ज़ाहिर होती हो, या वो पूरा मंज़र ज़ाहिर होता हो, या पूरा वो ख्याल जो उस तस्वीर में है वो ज़ाहिर होता है। और फिर उसको चंद जुमलों में लिखिए कि किस तरह से इसमें जो आप देख रहे हैं, जो आप तसव्वुर कर रहे हैं वो ज़ाहिर किया गया है। इसको तहरीरी शक्ल में पेश कीजिए और फिर अपने उस्ताद को दिखाइए, अपने दोस्तों को दिखाइए और उनसे इस मौजू पर गुफ्तगू कीजिए। शुक्रिया। साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। प्रोडक्शन असिस्टेंट्स मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता एंड जगबंधु जाना। ध्वन्यांकन शानू मुक्सीम और विकास सांगवान। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।